नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी छोटे कटहल का रेसिपी, एकदम खाने में मटन जैसा लगेगा। तो चलिए मैं किस तरह करके बनाती हूँ, पूरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, छोटे कटहल का सब्जी बनाने के लिए मैं 3 छोटे कटहल ली हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी, इसके सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। और 4-5 आलू ली हूँ। ये कैसा काटा छिला जाता वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेती हूँ, कटहल में जो दूध निकलता है चिपक जाता है दूध, तेल नहीं लगाने से। तो थोड़ा सा मैं छील कर काट कर दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह काटने से कितना आसानी से छील जाता है। अब इसका बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा काट के फेंक देती हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो देखिए इतना बड़ा बड़ा पीसेस काटना है। तो इसी तरह करके मैं सारा कटहल को काट लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आलू और कटहल को मैं काट ली हूँ। इस तरह करके आलू को भी काटी हूँ, काट कर धो ली हूँ। अब मैं बनाने का तैयारी करती हूँ। मैं कुकर पे बनाऊंगी दोस्तों। तो कुकर गर्म हो गया है, तेल दे देती हूँ। पहले मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी। अब मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। आलू फ्राई हो गया है, आलू को निकाल लेती हूँ। इसी तेल में कटहल को भी फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, मैं कुकर में बना रही हूँ दोस्तों, कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा कटहल को फ्राई कर लेती हूँ। कटहल भी फ्राई हो गया है दोस्तों, 2-3 मिनट तक फ्राई की हूँ। अब इसे भी निकाल लेती हूँ। तो इसी तेल में और थोड़ा सा तेल दे देती हूँ। एक तेज पत्ता दे देती हूँ। कटी हुई प्याज, अब प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। प्याज फ्राई हो गया है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट दे देती हूँ। अदरक लहसुन, अब इसी में टमाटर दे देती हूँ। अब मैं पाउडर मसाला डालूंगी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ये मसाला मैं घर में ही तैयार की हूँ दोस्तों, ये पैकेट मसाला नहीं है। तो इसे भी दे देती हूँ।
थोड़ा सा पानी दे देती हूँ ताकि मसाला चिपके नहीं। अब नमक, मैं थोड़ा थोड़ा नमक दी हुई हूँ तो अब मैं इसी का हिसाब से नमक दे रही हूँ। हल्दी, अब मैं मसाले को 5-6 मिनट तक भून लेती हूँ। मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए तेल भी निकलने लगा है। तो अब मैं फ्राई किया हुआ कटहल डाल देती हूँ। अब मैं 2 मिनट तक चला लेती हूँ कटहल को, मैं 2 मिनट तक चला ली हूँ मसाले के साथ। अब ग्रेवी का हिसाब से पानी दे देती हूँ। अब फ्राई किया हुआ आलू को डाल देती हूँ। मैं गरम मसाला बाद में डालूंगी, अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ। अब मैं 3 सीटी लगा लेती हूँ। 3 सीटी लगा ली हूँ दोस्तों, अब नीचे उतार लेती हूँ। अब मैं ढक्कन खोल के चेक कर लेती हूँ। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, चेक करके देख लेती हूँ दोस्तों ठीक से बॉयल हुआ है कि नहीं। देखिए बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत गर्म है। देखिए आलू भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसी में मैं गरम मसाला दे देती हूँ, गरम मसाला का पेस्ट। अब 1 मिनट तक चूल्हे पे चढ़ा के उबाल लेती हूँ। 1 मिनट तक उबाल ली हूँ, अब नीचे उतार लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों कटहल का सब्जी बन के रेडी है, कितना सुंदर बना है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी एकदम मटन जैसा लगता है। तो एक बार मेरे तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। मेरा वीडियो आप लोग का कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी में।